अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीएस साइंस एकेडमी। दोस्तों, हमने अभी रिसेंटली अपना जावा ट्यूटोरियल्स का कोर्स शुरू किया है, तो ये उस कोर्स कंटेंट है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि जावा क्या होती है, आईडीई कैसे डाउनलोड करते हैं उसकी, ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब उस शुरू करेंगे सिंटैक्स से, फिर आउटपुट्स के सीक्वेंस, यानी कि ये सारी चीज़ें, टाइप कास्टिंग ऑपरेटर, स्टेटमेंट्स, लूप्स, ब्रेक्स, एरेज, ये सारी चीज़ें बेसिक्स के अंदर आ जाएंगी। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मेथड्स के अंदर, मतलब फंक्शंस के अंदर, कि फंक्शन क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, ओवरलोडिंग क्या होती है, स्कोप और रिकर्सिव क्या है। तो इस तरह फंक्शंस के अंदर हम वर्किंग करेंगे। फिर फंक्शंस के बाद जब बेसिक कॉन्सेप्ट फंक्शन क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे ऊप के अंदर कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, हमारे पास क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, मॉडिफायर्स क्या होते हैं, कैप्सुलेशंस क्या होती हैं, या पैकेजेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनर क्लासेस, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, एक्सेप्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इस अपने कोर्स के अंदर कवर करेंगे और ये बहुत डिटेल कोर्स होने वाला है। इसके अलावा अगर आप दूसरे कोर्सेज फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे जावा का ये वाला कोर्स फॉलो कर सकते हैं, सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का कोर्स है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। फंक्शंस का कोर्स है, पूरी एक प्लेलिस्ट है फंक्शंस के ऊपर कि फंक्शंस को किस तरह बनाया जाता है, कैसे डील किया जाता है। और इसके अलावा HTML का कोर्स है, HTML की बेसिक्स है कि कैसे क्या क्या चीज़ें HTML में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा आपके पास सी लैंग्वेज का कोर्स है, बेसिक्स कि सी लैंग्वेज क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, वो सारी एक्सरसाइज भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये वाला प्रोग्राम आपके सामने होगा सारा, इस प्रोड्यूस को फॉलो कीजिएगा, उनको वॉच कीजिएगा, प्लेयर्स को फॉलो कीजिएगा। अगर किसी भी किस्म कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।